जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में। सबसे पहला अपडेट आ रहा है नथिंग फोन 2 की तरफ से। इसके पूरे ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं, तो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो यार, ये पूरे ऑफिशियल स्पेक्स हैं। और कैमरा स्पेक्स भी आ चुके हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा सोनी IMX890 के कैमरा सेंसर के साथ। और सोनी IMX890 एक अच्छा प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन कैमरा सेंसर है। ब्रांड्स पे निर्भर करता है कि वो किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करेंगे, कैसे कैसे फीचर्स देंगे, किस प्राइस पे देंगे, उन पे निर्भर करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 30,000 रुपये के फ़ोन्स में भी 890 मिल जा रहा है, तो भाई वो सस्ता नहीं है कैमरा सेंसर, वो काफ़ी अच्छा कैमरा सेंसर है, ठीक है। महंगे महंगे फ़ोन्स में आता है यार, 70-80 हज़ार रुपये, 90 हज़ार रुपये के फ़ोन्स में आता है। और जो दूसरा कैमरा अल्ट्रा वाइड, वो JN1 वही सेंसर है जो आपको नथिंग फोन 1 में मिल जाता है, वही सेम कैमरा सेंसर यहाँ पर दे दिया गया है। सेल्फी आपको सोनी IMX615 का देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे सेल्फीज देगा। और एक बंदे ने मुझसे पूछा भी था, सुफियान भाई रेनो सीरीज के फोन्स में सोनी IMX709 का कैमरा सेंसर मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी में, क्या वो बेहतर है कि ये बेहतर है? वो बहुत बेहतर है, सोनी IMX709 ज़्यादा बेहतर कैमरा सेंसर है। मैं सोचा था वही मिलेगा नथिंग फोन 2 में, लेकिन नहीं मिला। देखो यार, ये फ़ोन काफ़ी अच्छे स्पेक्स दे रहा है, कैमरास भी काफ़ी इसके अच्छे हैं। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि ये 39999 में आ जाए। अगर ये 40,000 रुपये में आ गया, ये फ़ोन बढ़िया हो जाएगा, लेकिन फिर 43 का लॉन्च होगा, फिर बाकी एक्सेसरीज वगैरह और महंगा हो जाएगा। बस काल पे भैया इसको सही प्राइस पे अवेलेबल करवा दें, क्योंकि कैमरास मेरी कमज़ोरी है आप जानते हो, और इस फ़ोन के कैमरास काफ़ी अच्छे हैं। मेरे को किसी भी फ़ोन से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे उनके कैमरा से मतलब है। कैमरा अच्छा हो गया मेरे लिए फ़ोन अच्छा है, ठीक है। आप बताओ, आपको परफॉर्मेंस से मतलब है कि बैटरी से मतलब है कि डिस्प्ले से मतलब है, किससे मतलब है? Realme Narzo 60 और Realme Narzo 60 Pro, ये दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुके हैं ब्रो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, इन दोनों फ़ोन से दूर रहें। एक पल को तो समझ में भी आता है कि बंदा जाके Realme 11 Pro ले लेगा, भाई वो नंबर सीरीज के फ़ोन को ही जाके लेगा ना, Narzo में क्यों फंसेगा वो? Narzo में थोड़े अपडेट्स भी लेट से मिलेंगे, बंदा जाएगा 11 Pro लेगा, उसकी ज़िंदगी सही रहेगी अगर उसको लेना है तब भी। लेकिन Narzo 60 को कोई जाके क्यों खरीदेगा? उसके तो स्पेक्स भी कुछ खास नहीं है, इतना बड़ा बेजल, इतना बड़ा वनचोल, ऐसा लगता है कि Realme अपने वही पुराने फॉर्मूला को बार बार यूज़ कर रहा है। और अगर आपको पता नहीं है, प्रोसेसर Dimensity 700 का इम्प्रूव वर्जन है, उसके आगे वाला वो वर्जन है, तो यहाँ पर नंबर बड़ा है प्रोसेसर का, अंक संख्या, तो आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। नहीं यार, प्रोसेसर नॉर्मल सही है, ठीक है, जो 20,000 रुपये के फ़ोन्स में होने चाहिए, बस वैसे ही है, अच्छा है, लेकिन भाई फ़ोन अच्छा नहीं है, Narzo 60 दूर रहो। अगर आपको कोई अच्छे फ़ोन की तलाश है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं बताऊंगा। और वैसे भी एक वीडियो बना रहा हूं मैं कवर करूंगा सारे रेंज को, जो भी बेस्ट फोन होंगे सबको कवर करूंगा मैं। जानते हो क्या हुआ है? हमारे इलॉन चचा ने मार्क भैया के ऊपर केस कर दिए। किस लिए किए पता है? क्योंकि हमारे मार्क भैया थ्रेड्स ऐप को रिलीज़ किए हैं। थ्रेड्स ऐप, अगर आप उसके बारे में नहीं जानते, तो ये ट्विटर का ऑल्टरनेटिव ऐप है, ट्विटर का कॉम्पैटिटर है। यार मुझे पता है आप जानते हो, मुझे फॉलो कर लेना @realsufyanKhan, मैं आईडी बना चुका हूँ। तो मुद्दा ये ना मेरे भाई, हमारे मार्क भैया उन लोगों को काम पे रखे हैं जिनको ट्विटर ने काम से निकाला था। हमारे इलॉन चचा बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज़ को काम से निकाले थे ना, तो वो एम्प्लॉयज़ अब मार्क भैया के यहाँ काम करते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो बहुत सारे कोर एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, ट्विटर में काम किए हैं, एक्सपीरियंस है, उसके बहुत सारे इनसाइड डिटेल्स भी जानते हैं वो, तो उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस का वो इस्तेमाल अब मार्क भैया के अंदर में रह के करेंगे थ्रेड्स ऐप को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब इलॉन चचा को पता चली, तो वो बोले चीटिंग नहीं करने का मार्क, चीटिंग नहीं करने का, इसी वजह से वो सू कर दिए। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो, आप पढ़ लो यार, आप समझ जाओगे डिटेल में अच्छे से। मैं शेर हूँ, किसी से नहीं डरता। हेलो, कामर आ रहे हो अपनी? जैसा कि मैं आपको बहुत लंबे टाइम से बोलते हुए आ रहा हूँ, सैमसंग का गैलेक्सी अनपैक्ड जुलाई के एंड में हो जाएगा। तो यार डेट आ चुका है, जुलाई के 26 तारीख को सैमसंग का गैलेक्सी अनपैक्ड है, जहाँ पर सैमसंग अपने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगा, अपने स्मार्ट वॉचेस, टैबलेट्स, फोल्डेबल, फ्लिपेबल और भाई ना जाने क्या क्या। यार मैं सच कहूँ ना, मैं गैलेक्सी अनपैक्ड को लेकर इतना एक्साइटेड नहीं होता हूँ। जब एस सीरीज के फोन होते हैं तो एक्साइटेड रहता हूँ, लेकिन ये फोल्डेबल वाला जो अनपैक्ड होता है, नहीं होता हूँ मैं यार, क्योंकि जेब में इतने पैसे ही नहीं है यार, क्या करेगा बंदा एक्साइटेड होके, कोई भी प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा मैं। सच कहता हूँ यार, गर्मी के मौसम में अच्छा खासा दिखने वाला बंदा भी बेकार दिखने लगता है। मेरे को ये रियलाइज़ कब हुआ पता है? मैं ठंडी के वीडियोस को देख रहा था, मतलब कि मेरे जो वीडियोस जो ठंडी में रिलीज़ किया था मैं, उस समय मैं कैसा दिखता था और अभी कैसा दिख रहा हूँ, मतलब गर्मी के मौसम में भाई इतना ज़्यादा बंदा बेकार दिखने लगता है कि उसको यकीन ही नहीं होता कि वो ठंडी के मौसम में कितना अच्छा दिखता है। वैसे आप बताना यार, आपका क्या रिएक्शन ओपिनियन है कि आपको गर्मी के मौसम में क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या ख़राब लगती हैं, आपको ठंडी का मौसम कैसा लगता है, उसमें क्या अच्छी चीज़ें, क्या ख़राब चीज़ें,
आपका फेवरेट मौसम कौन सा है? मेरे को तो भाई सबसे अच्छा ठंडी लगता है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सैमसंग का स्वैग अलग है, उसका स्टाइल अलग है, वो एकदम अलग ही लेवल का ब्रांड है। हम सब लोग सोचे थे कि सैमसंग गैलेक्सी S21 FE का स्नैपड्रैगन 888 वाला वर्जन इंडिया में लॉन्च हो रहा है, तो उसका प्राइस भी सैमसंग रखेगा 39999, 40,000 रुपये में लॉन्च करेगा। और अगर आपको नहीं पता है तो स्नैपड्रैगन 888 कोई अच्छा प्रोसेसर नहीं है, उसको भी अपना सैमसंग ही बनाया है, TSMC नहीं बनाया उसको, ठीक है। तो हम लोग फिर भी सोचे थे कि 40,000 रुपये ही प्राइस होगा S21 FE का, जो ओरिजिनल प्राइस है। लेकिन नहीं मेरे भाई, सैमसंग इसके लिए ज़्यादा चार्ज कर रहा है। भाई क्या सेंस बनता है इसका यार, सैमसंग पुराना फ़ोन है, वो पुराना प्रोसेसर है, कोई बंदा क्यों इतना पैसा देगा, बंदा जाके कोई और फ़ोन ना ले ले। लेकिन फिर भी सैमसंग का स्वैग यार। और भाई ऐसे ऐसे वीडियो से बचो जो असली सच्चाई गलती मत करना, मतलब अपना सर हाथ पकड़ के थंबनेल में चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे पैसा बर्बाद, उनके वीडियोस को जाके मत देखो, दिमाग खाली कर देंगे। ऐसे लोगों को जाके देखो जो समझाएं अच्छे से, ठीक है, क्लियर कट आंसर दें, ना कि घुमा फिरा के बात करें। Realme GT Neo 6 10R सर्टिफिकेशन पे पकड़ा गया है, इसके सारे स्पेसिफिकेशंस और लाइव इमेजेस आ चुके हैं, देख लो फोन आपको ऐसा दिखाई देगा, कसम से यार, बिल्कुल पोको के स्मार्टफोन्स का लुक दे रहा है। पोको के जो सस्ते स्मार्टफोन्स होते हैं ना, वैसा लुक दे रहा है। मेरे को Realme GT Neo 6 कहीं से भी प्रीमियम दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी चीप लुक मेरे को महसूस हो रहा है। वैसे स्पेसिफिकेशंस काफ़ी बवाल लेवल के हैं। दो वर्जन्स होंगे जैसे कि हर बार न्यू सीरीज के फोन्स में होता है, एक 150 वाट के चार्जिंग वाला वर्जन होगा, एक 240 वाट के फास्ट चार्जिंग वाला वर्जन होगा। एंड आई होप सो जब Realme GT Neo 6 इस महीने के एंड तक नहीं तो अगले महीने में जब चाइना में लॉन्च हो तो इंडिया में Realme इसको ले आए, क्योंकि Realme GT Neo 5 अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। Realme GT 3 बंदे इंतजार कर करके अपनी पूरी जवानी खत्म कर लिए, उसमें मैं भी हूँ। क्या आप नथिंग फोन 2 को चलाना चाहते हो, अपने हाथों में पकड़कर, उसको स्पर्श करके, अच्छे से अपने आँखों से देखकर उसको महसूस करना चाहते हो, तो ये काम आप कर सकते हो यार, क्योंकि नथिंग वाले ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बेंगलुरु में जुलाई के 14 तारीख को आप नथिंग के पॉपअप स्टोर करके, कुछ तो ऐसा ही नाम है, आप जाकर वहाँ पर हैंड्स ऑन कर सकते हो, नथिंग फोन 2 को जी भर के चला सकते हो, ठीक है। अच्छी बात है यार, जो बंदे बेंगलोर में रह रहे हैं वो जाकर अच्छे से कर लेंगे, लेकिन यार उतना दूर मैं कैसे जाऊँ समझ नहीं आ रहा है, पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। वैसे आप बताओ यार, आप जो भी बंदे बेंगलुरु से हैं वो जाएंगे टेस्ट करने के लिए, कमेंट करके बताना। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। Techno Camon 20 Premium ये फोन लॉन्च हो चुका है इंडिया में, 30,000 रुपए के आसपास इसका प्राइस है और सारे स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पे हैं। देखो यार मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ये फोन काफी अच्छा है, काफी अच्छे स्पेक्स दे रहा है, इसके कैमरा स्पेक्स भी काफी अच्छे हैं, कैमरास भी इसके बहुत अच्छे हैं, फोन काफी अच्छा है। लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूँ यार, इसको मत खरीदो, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस नाम की भी कुछ चीज़ होती है। और यार अगर आप टेक्नो जैसे ब्रांड पे 30,000 रुपये लगा रहे हो, या तो आपको इस फ़ोन को ट्राई करना है या फिर आप टेक्नो ब्रांड के फ़ैन हो। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ यार, ये फ़ोन अच्छा है, ठीक है, लेकिन मैं होता तो 30,000 रुपये में टेक्नो का फ़ोन नहीं खरीदता, मैं किसी अच्छे ब्रांड की तरफ जाता। मेरी सांस जा रही है। अब तेरी बहू भी जाए। सर गलती मत करना, मैं आपको असली सच्चाई बताने वाला हूँ, नहीं तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। सच कह रहा हूँ यार, ये जो नए क्रिएटर्स आजकल आ रहे हैं, सो कॉल्ड क्रिएटर्स, ये भाई ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं, इस तरीके से थंबनेल्स क्रिएट करते हैं, भाई जब सजेशन में भी आ जाएगा ना तो बंदा क्लिक करके ही जाएगा, मतलब कि इस तरीके से क्रिएट करते हैं, लेकिन अंदर तो कचरा ही भरा रहेगा। और भाई क्या असली सच्चाई, क्या पैसा बर्बाद, सिंपल वे में कह दो ना यार, या तो स्पेसिफिकेशंस दिखा दो, या तो क्विक फॉर्म में स्पेसिफिकेशंस बग दो और बोल दो ये फ़ोन अच्छा नहीं है, ये प्रॉब्लम्स है। क्या जरूरत है भाई इतना रोना धोने करने का, भाई समझ ही नहीं आता यार इतना नेगेटिव क्यों, और सभी फोन्स के ऊपर नेगेटिव वीडियोज ही बनेंगे। सैमसंग गैलेक्सी M34 5G लॉन्च हो चुका है, मुझे पता है ये फोन अच्छा नहीं है, क्योंकि भाई इतना बड़ा नॉच, इतना बड़ा चिन्ह है, कुछ खास स्पेसिफिकेशंस भी नहीं है, लेकिन ये भी तो देख मेरे भाई, वो सैमसंग का फोन है, हर ब्रांड का अपना अपना स्टाइल होता है, अलग अलग फैन बेस होता है, तब तो भाई जो वीवो के वाई सीरीज के फोन लेते हैं वो लोग अच्छे हैं ही नहीं, लेकिन ले रहे हैं ना, बिक रहे हैं ना यार। ऑफलाइन मार्केट में घूम फिर के जाके देखो वीवो ओप्पो कितना चलते हैं, क्या वो फोन अच्छा नहीं बनाते जस्ट बिकॉज स्पेसिफिकेशंस अच्छे नहीं है तो फोन अच्छे नहीं है? नहीं भाई, सबके अपने अपने चॉइसेस होते हैं, सबके अपने अपने शौक होते हैं मेरे भाई, समझना चाहिए। अब ये सैमसंग का M34 5G, इसको भी लोग बहुत खरीदेंगे, लेकिन यार वो सैमसंग का ही फोन चाहते थे तो वो खरीदे। अब डिस्प्ले एकदम बवाल है इसका, डायनामिक एमोलेड 2X है जो सैमसंग के S सीरीज के फोन में मिलता है, इसी वजह से सैमसंग नॉच और इतना बड़ा चिन्ह दिया है। डिस्प्ले टाइप बवाल है मेरे भाई, इस पे जो फिल्म देखोगे बहुत मजा आएगा। 20,000 रुपये में ऐसा कोई डिस्प्ले टाइप आपको कोई और ब्रांड प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, कर्व डिस्प्ले भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। सैमसंग के एस सीरीज के फोन वाला डिस्प्ले हम लोगों को M34 में लगा के दिया सैमसंग, तो यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई, ये फोन उन्हीं लोगों के लिए जो इन फोन को खरीदना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पर अपना टिप्पणी देके क्या करेंगे, ठीक है, फोन अच्छा नहीं है हम लोगों को पता है, और सभी बंदे को पता है जो फोन लेने जाएगा, भाई ये फोन अच्छा नहीं है, मैं ऐसा फोन क्यों लूँ, वो जाके किसी और को खरीद लेगा, ठीक है, लेकिन जिसको सैमसंग का चाहिए वो तो लेगा ही लेगा,
वन प्लस बाबू अपने फोल्डेबल फोन का नाम बिल्कुल हटके रखेंगे। स्टार्टिंग में आपको बताया था मैं कि वन प्लस वी फोल्ड नाम होगा वन प्लस के फोल्डेबल फोन का नाम, और इस नाम को वन प्लस ट्रेडमार्क भी करवा चुका है, और भी बहुत सारे नाम को ट्रेडमार्क करवाया, दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पर देख लो। लेकिन वन प्लस का जो फोल्डेबल फोन होगा ना, उसका नाम होगा वन प्लस ओपन। बहुत सारे मेरे भाई लोग पूछते रहते हैं, सुफियान भाई क्या गूगल का पिक्सल वॉच इंडिया में लॉन्च होगा? अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, गूगल पिक्सल वॉच 2, गूगल का नया पिक्सल वॉच, गूगल पिक्सल 8 सीरीज के फोन्स के साथ इस साल के एंड में लॉन्च हो जाएगा। सर्टिफिकेशंस को क्लियर करना चालू कर रहा है और गूगल इसको इंडिया में लॉन्च करेगा। सैमसंग स्मार्ट रिंग बना रहा है मेरे भाई, स्मार्ट वॉचेस को देखिए हो ना, वैसे स्मार्ट अंगूठी जो आपके हेल्थ को पूरा अच्छे तरीके से मेजर करेगा, जो स्मार्ट वॉच काम करता है ना, लगभग ये भी वैसे ही काम करेगा। सैमसंग इसको बना चुका है, सैमसंग कभी भी इसको अनवील कर सकता है, ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। अब देखो क्या होता है, हो सकता है इंपैक्ट इवेंट में ही टीज कर दे। Realme Buds Wireless 3 ये नेकबैंड लॉन्च हो चुका है, सारे डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो। अच्छा नेकबैंड है, अच्छे प्राइस पे लॉन्च हुआ है, मूड है तो उसकी तरफ आप देख सकते हो। अनपैक्ड इवेंट से मेरे को याद आया, गैलेक्सी अनपैक्ड जो जुलाई के 26 तारीख को हो रहा है, उसमें सैमसंग गैलेक्सी S23 FE लॉन्च नहीं होगा, वो अक्टूबर तक जाएगा, दिवाली तक वो लॉन्च होगा, ठीक है। और उसके लिए अलग से सैमसंग अपना एक इवेंट रखेगा, जहां पर सैमसंग अपने कुछ और प्रोडक्ट्स को भी कवर कर लेगा, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। और आप प्री रिजर्व कर सकते हो सैमसंग के जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जुलाई 26 के अनपैक्ड इवेंट में, सैमसंग इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके प्री रिजर्व करोगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिल जाएंगे सैमसंग की तरफ से। ओप्पो रेनो 10 प्रो और ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस, इन दोनों स्मार्टफोन्स के ऑफिशियल इंडियन प्राइसेस बाहर आ गए, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, देख लो यार, मैं जो प्राइसेस बताया था वही प्राइसेस के आसपास ऑफिशियल प्राइस भी आपको दिखाई देंगे। वैसे आप बताना आपको प्राइसेस कैसे लग रहे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि ओप्पो रेनो 10 का प्राइस क्या होगा, मुझे जहाँ तक लगता है 33,000 रुपीज़ के आसपास। चलो यार, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, इस वीडियो को शेयर भी करना, और हमेशा अपना ख्याल रखना, खुश रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।